दोस्तों, इंडियन रेलवे एक ऐसा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो कि अपनी जीडीपी में 1.5% तक कंट्रीब्यूट करता है। और आपको बता दें कि इस साल 2023 में रेलवे केवल अपने गुड्स ट्रेन से ही अप्रोक्स 1.6 ट्रिलियन रुपीस का कंट्रीब्यूट करेगा, जबकि पिछले साल इस रेलवे नेटवर्क ने 1.4 ट्रिलियन तक का रिवेन्यू कलेक्ट किया था अपने गुड्स ट्रेन के जरिए। और इतना ही नहीं, इस साल पैसेंजर्स ट्रेन भी अप्रोक्स 633 बिलियन रुपीस तक रिवेन्यू कलेक्ट करेगी। और देखा जाए तो इंडियन रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जो कि हर साल ऊंचाइयों को छू रहा है और दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर ये इंडियन रेलवे ही है। पर क्या आपको पता है, यही सेक्टर जो कि सालों साल तरक्की करता जा रहा है, ये आखिरकार अपनी ट्रेन में से जनरल कोच की संख्या धीरे धीरे कम क्यों कर रहा है? तो चलो इसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, रेलवे के ऐसे करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। और पहला ये कि रेलवे को समझ आ गया है कि अगर वो ज्यादा रिवेन्यू अर्न करना चाहते हैं तो उनके लिए जनरल कोच की कोई वैल्यू नहीं है। और वो ऐसे जो कि जब भी फेस्टिवल सीजन आता है तो उस समय ट्रेन में एक्स्ट्रा बोगीज ऐड की जाती है, और वो बोगीज या तो एसी कोच की होती है या फिर स्लीपर क्लास की। और एक एवरेज स्टेशन प्लेटफॉर्म पर 24 कोच ट्रेन ही खड़ी हो सकती है, और वो इसलिए क्योंकि प्लेटफॉर्म पर एक लिमिटेड स्पेस होता है। तो उसी प्रकार अगर रेलवे को लगता है कि अगर किसी पर्टिकुलर रूट पर लोग ज्यादा एसी कोच या फिर स्लीपर क्लास में ट्रेवल करना पसंद करते हैं, तो रेलवे उस समय उन पर्टिकुलर की ट्रेनों में से जनरल कोच को कम कर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा वेटिंग को कम किया जाए। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये रेलवे एक्स्ट्रा रिवेन्यू अर्न करने के लिए करती है। और आपने देखा हो तो आजकल जनरल कोच के अंदर टीटी तक ने भी आना बंद कर दिया है। इसका मतलब कि रेलवे अब अपना ज्यादा कंसंट्रेट स्लीपिंग कोच और एसी कोच पर कर रहा है। और दूसरा कारण ये है कि रेलवे इस समय अपनी स्पीड पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। और रेलवे मिनिस्टर के अनुसार कहा गया है कि ट्रेन में जनरल कोच के अंदर सभी खिड़की और दरवाजे खुले रहते हैं, जिस करके ट्रेन के इंजन पर एयर ड्रैग बढ़ जाता है, जिस करके ट्रेन की स्पीड पर तो फर्क पड़ता ही है, और उसके साथ रेलवे की ज्यादा बिजली और डीजल कंजप्शन भी होती है। और रेलवे का टारगेट है कि वो अपनी ट्रेन की स्पीड को 130 किलोमीटर पर आर तक लेकर जाए, और वो तभी संभव है जब वो जनरल कोच को ट्रेनों में से कम करेंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल होगा जब एक्सटर्नल एयर ड्रैग को हटाया जाएगा। और रेलवे मिनिस्टर ने एड ऑन किया कि जिन जिन रूट की ट्रेनों में जनरल कोच हटाए जा रहे हैं, उन उन रूट पर रेलवे के द्वारा दो ऐसी ट्रेन चलाई जाएगी जिसमें केवल जनरल कोच के डब्बे ही होंगे। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको रेलवे का ये डिसीजन कैसा लगा। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।